इस वक्त श्योपुर से एक खबर आपको दे दें। नाबालिग की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस और आरोपियों के खिलाफ लोगों ने गुस्सा दिखाया, प्रदर्शन किया, फांसी देने की मांग कर रहे हैं आरोपियों को। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों पर गैंगरेप कर हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पर एक को गिरफ्तार कर तीन को छोड़ देने के आरोप है। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। वीरपुर थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटकी नाबालिग की लाश मिली थी, सनसनीखेज मामला है। लोगों का आरोप है कि तीन को क्यों छोड़ दिया, एक आरोपी ही पकड़ा है। सड़कों पर उतरे लोग नाराज हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग पहुंचे और अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सख्त एक्शन की, आरोपियों को फांसी देने की मांग है। गैंगरेप का संदेह व्यक्त किया है और इसमें तीन आरोपियों को छोड़ देने का पुलिस पर आरोप है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पुलिस और आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा श्योपुर में दिखा। सड़क पर उतरे हैं, नाबालिग की मौत से गुस्साए हुए हैं। स्वदेश सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वदेश, लोगों का गुस्सा सड़क पर है, वजह क्या है? स्वदेश अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं, मामला समझाएं, किस बात का आक्रोश है लोगों में? देखिए, आज से एक महीने पहले बीरपुर थाना क्षेत्र के नदी गांव में 13 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने तत्काल पोस्टमार्टम कराया था एवं अन्य जांचें कराई थी, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप था कहीं ना कहीं गैंगरेप करके मार के उसकी लाश पेड़ पर टांगी गई, जिसको लेकर एक महीने तक जांच चली। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस का यह रवैया देखने को मिला कि ग्रामीणों को कई जांचों से बिल्कुल बचाए रखा और कई जांच सामने ओपन नहीं गई ग्रामीणों पर, जिसको लेकर आज वहां के ग्रामीण इकट्ठा हुए, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे एवं अन्य तीन और युवकों के नाम लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की और जो मेन आरोपी है उसकी फांसी की मांग की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फांसी की मांग की जा रही आरोपियों के लिए और एक महीना बीत गया, इसलिए लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे।